हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धुरिंद्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यंत्र कारागिर। दोस्तों, आज की वीडियो में ये जो एवन साइकिल है, डिस्क ब्रेक वाली साइकिल, दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप नई साइकिल खरीदते हो ना, तो क्या होता है, सामने का ब्रेक हो या फिर पीछे का ब्रेक हो, जो डिस्क ब्रेक होता है हमारा, वो दोस्तों ढीला, बार बार ढीला हो जाता है। और फिर उसे टाइट करने के लिए या उसे सही करने के लिए हमें साइकिल की दुकान में लेके जाना पड़ता है। जब नई साइकिल लेते हैं दोस्तों, तब ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है दोस्तों, और बार बार हमें साइकिल की दुकान में ले जा करके हमें 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक खर्चा हमें आ जाता है दोस्तों। तो आप इसे घर पर ही कैसे, मतलब रिपेयर करें आप इस डिस्क ब्रेक का, जो ढीला होने का जो प्रॉब्लम है, इसे हम घर पे ही कैसे रिपेयर करें, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपके पास इसे रिपेयर करने के लिए, जैसे देखिए दोस्तों, ये सामने का है, इसका क्या हो गया, हमारी साइकिल का सामने का ब्रेक जो है ढीला हो गया है। हम ब्रेक लगाते हैं तो रुकता नहीं है दोस्तों। देखिए, अभी मैं घुमा रहा हूँ इसको, और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे से हम ब्रेक लगाते हैं तो रुकती नहीं है। ये देख लीजिए दोस्तों, हमने ब्रेक पूरा लगा दिया है, सामने का ब्रेक है, लेकिन रुक नहीं रही है दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर पे ही आप फ्री में ये जो प्रॉब्लम है ब्रेक न लगने की, वो कैसे सॉल्व कर सके दोस्तों। तो दोस्तों, उसके लिए देखिए, आपके पास ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टूल्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए यहाँ पे, इसे हम एलंकी बोलते हैं दोस्तों। एक 4 नंबर की एलंकी आती है, एक 5 नंबर की और एक 6 नंबर की। दोस्तों ये 3 एलंकी अगर आपके पास होंगी ना, तो साइकिल का आधी रिपेयरिंग जो है ना दोस्तों, आप खुद घर में ही कर सकते हैं, और आप अपना पैसा बचा सकते हैं दोस्तों। यानी कि रिपेयरिंग का पैसा जो होता है, वो आप बचा सकते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, इसको सही करने के लिए इसका ये जो हमारा ब्रेक ढीला हो गया है, लगता नहीं है, इसको सही करने के लिए हमें, और ये एलंकी दोस्तों मार्केट में 20 रुपये में मिल जाएंगे आपको दोस्तों। और आप अगर साइकिल की दुकान में रिपेयर करने के लिए जाएंगे इतनी सी प्रॉब्लम को, तो आपको 30 से 50 रुपये देना पड़ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसे रिपेयर करना सिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा डिस्क ब्रेक का होता है, यहाँ पे इसकी एलंकी लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे नट दिया होता है। ये देखिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया है, हमारा ढीला हो गया है दोस्तों। ये देखिए, हम हाथ से घुमा रहे तो घूम जा रहा है, तो ये ढीला हो गया है दोस्तों। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ टाइट कर देना है। इस वायर को इस तरह से खींचना है, और यहाँ पे एलंकी लगा करके इसको दोस्तों टाइट कर देना है हमें दोस्तों। यहाँ पे एलंकी लगा करके इसे टाइट कर देना है, इस वायर को थोड़ा सा खींच लेना है और इसको टाइट कर देना है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं टाइट कर देता हूँ, ये देख लीजिए, इसे मैं टाइट कर रहा हूँ दोस्तों, टाइट कर देना है दोस्तों। तो ये हमने टाइट कर दिया, एकदम ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है दोस्तों, वरना टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे 5 नंबर की एलंकी और यहाँ पे 4 नंबर की एलंकी लग जाती है दोस्तों, और यहाँ पे 6 नंबर की दोस्तों। तो ये 4, 5 और 6 नंबर की एलंकी से दोस्तों आप अपनी साइकिल रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ आपको कि अभी ब्रेक लगते हैं क्या नहीं लगते। देखिए, हमने अभी चक्का घूम रहा है, अभी हम नीचे जा कर के ब्रेक लगाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, साइकिल रुक चुकी है, हमने ब्रेक लगा दिए, साइकिल का चक्का जो है रुक चुका है दोस्तों। चलो ब्रेक छोड़ देते हैं एक बार, देखिए ब्रेक छोड़ दिया है, और फिर से इसको घुमाते हैं, देखो घुमा दिया, अभी देखो फिर से ब्रेक मारते हैं अपन। ये देखो, यहाँ पे हाथ रख दिया मैंने, अभी ब्रेक मारूंगा मैं और ये साइकिल रुक जाएंगे दोस्तों, चक्का रुक गया दोस्तों। तो इस तरह से आप घर पर इसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास सिर्फ 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर की एलंकी होनी चाहिए दोस्तों, मतलब ब्रेक को आप, डिस्क ब्रेक जो होता है हमारा साइकिल का, एवन नुक साइकिल का,
तो दोस्तों इसको आप रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों बेल आइकन के बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।